जैसा आपको पता है 4 मई से देश लॉकडाउन के तीसरे चरण से गुजर रहा है। सरकार की यह चेष्टा है कि हर स्तर पर हर संभव प्रयास द्वारा लॉकडाउन के नियमों की परिधि के अंदर रहते हुए देश के नागरिकों को अधिक से अधिक राहत दें। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। जैसे मैंने बताया था, इस श्रृंखला में अगली कड़ी में अब सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स और नौसेना के जहाज़ों द्वारा की गई है, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है। जैसे मैंने पहले भी साझा किया था, इस प्रकार की यात्रा के लिए जो SOP जारी की गई है, उसके अनुसार विदेशों में फंसे भारतीय संबंधित भारतीय दूतावास और उच्च आयोग में अपना पंजीकरण कराएंगे। गर्भवती महिलाएं, छात्र, वीज़ा अवधि समाप्त होने वाले व्यक्ति, मेडिकल इमरजेंसी केसेस इत्यादि को यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्डिंग से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमैटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सिविल एविएशन और हेल्थ के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। बोर्डिंग के पहले सभी यात्री अंडरटेकिंग देंगे कि वे भारत में आगमन पर 14 दिनों तक न्यूनतम अवधि के लिए अपने खर्चे पर अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहेंगे। गंतव्य पर पहुंचकर सभी की मेडिकल जांच की जाएगी और सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगर कोई यात्री सिम्प्टोमैटिक पाया जाता है, उन्हें हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचाया जाएगा, बाकी यात्री इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पहुंचाए जाएंगे। 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद इनका दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की करेगी। विदेश मंत्रालय यात्रियों की सूची उनके आगमन से पहले संबंधित राज्यों के साथ साझा करेगी। इसी प्रकार से बहुत से विदेशी ग्रीन कार्ड या OCI कार्ड होल्डर्स और भारतीय जो विभिन्न कारणों से विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यात्रा की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक SOP बनाई है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग हेल्थ प्रोटोकॉल्स का एयरपोर्ट्स पर अनुपालन हो। SOP सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सैन्य मामलों के विभाग, सिविल एविएशन मंत्रालय और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की एक इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी मिलकर SOP को लागू करने के लिए और व्यवस्थित तरीके से यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कमेटी संबंधित राज्य सरकारों के साथ विदेश से आने और जाने वाले व्यक्तियों की यात्रा की व्यवस्था के लिए समन्वय करेगी। इस क्रम में नौसेना का जहाज INS जलश्वा मालदीव्स पहुंच गया है और वहां से लगभग 700 यात्रियों के साथ, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल है, आज रवाना होगा। यह अनुमान है कि 10 मई की रात तक यह कोची पहुंचेगा। कल अबू धाबी से कोची और दुबई से कोझिकोड के लिए फ्लाइट्स लगभग 354 यात्रियों को लेकर पहुंच चुकी हैं। आज सिंगापुर से दिल्ली की फ्लाइट भी 250 से अधिक यात्रियों के साथ पहुंच गई है। 5 और फ्लाइट्स आज पहुंचेंगी। जो OCI कार्ड होल्डर्स और विदेशी
भारत में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनके वीजा सुविधा और कॉन्सुलर सेवाओं के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चूंकि लॉकडाउन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है, इस अवधि के लिए OCI कार्ड धारक की मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा सुविधा को स्थगित किया गया है, परंतु OCI कार्ड धारक जो पहले से ही भारत में हैं, उनका OCI कार्ड किसी भी अवधि तक भारत में रहने के लिए वैध होगा। प्रतिबंध के दौरान अगर OCI कार्ड धारक बहुत आवश्यक कारणों से भारत की यात्रा करना चाहें तो वे भारतीय मिशन से वीज़ा के लिए संपर्क कर सकते हैं। जिन विदेशी नागरिकों का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उनके ऑनलाइन आवेदन पर उनके वीज़ा को ग्रैटिस आधार पर यानी बिना शुल्क लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ये सुविधा रेगुलर या ई वीज़ा दोनों के लिए उपलब्ध है। इस एक्सटेंशन पर ओवरस्टे की पेनल्टी नहीं लगेगी। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध हटाने के 30 दिनों की अवधि तक यह वैलिड होगा। मैं फिर से सबसे अनुरोध करूंगी कि यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर हम राष्ट्रीय निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पूर्ण रूप से अनुपालन करें, जिससे कि COVID-19 संक्रमण से हम अपना और औरों का बचाव कर सकें। धन्यवाद।